फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 69 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। क्लास लिख लीजिए, डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, कल राधा और रौनक की मम्मी का जन्मदिन है। उन्हें खुश करने के लिए दोनों भाई बहनों ने सोचा कि मम्मी को फूल बहुत पसंद है, तो उनके जन्मदिन पर घर को फूलों से सजाया जाए। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, अगले दिन उनके पिताजी बाज़ार से बहुत सारे गेंदे के फूल लेकर आए और साथ ही 10 लाल गुलाब और 15 सफ़ेद गुलाब के फूल भी लाए। अब क्या हुआ, राधा ने 10 लाल और 10 सफ़ेद गुलाब के जो फूल थे उनसे गुलदस्ता बना लिया। क्या आप बता सकते हैं कि राधा ने गुलाब के कुल कितने फूलों से गुलदस्ता बनाया है। सही उत्तर पर गोला लगाइए। तो टोटल उसे देखिए 20 लिए, 10 लाल लिए, 10 सफ़ेद लिए, तो कितने गुलाब के फूल लिए उसने, 20। अगला क्वेश्चन लिखा है, क्या गुलाब के कुछ फूल बच गए होंगे, यदि हाँ तो कितने, पता लगाकर सही उत्तर लिखें। तो देखिए 10 लाल गुलाब तो उसने पूरे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन सफ़ेद 15 थे जिसमें से उसने सिर्फ और सिर्फ 10 इस्तेमाल करे थे, तो कितने गुलाब के फूल बच गए, 5 लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, दोनों ने मिलकर गेंदों के फूल और पत्तियों की मदद से दरवाजे के लिए तोरण भी बनाए। ठीक है, अब क्या है, उनको तोरण कुछ ऐसे दिख रहे थे। इसका तोरण राधा का जो था वो ऐसा था, जबकि रौनक का ऐसा था। तो अब यहाँ लिखा है, क्या आप उनके बनाए गए तोरण को पूरा करेंगे, हाँ तो हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ हमें क्या करना है, दो पत्ती लगानी है, एक फूल, फिर दो पत्ती, फिर एक फूल। ठीक, और यहाँ क्या करना है, दो फूल एक पत्ती, दो फूल एक पत्ती लगानी है। अब यह लिखा है, आप भी अपनी पसंद का एक तोरण अपनी कॉपी में बनाकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो हम भी एक बना लेते हैं। हम कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे एक फूल एक पत्ती, एक फूल एक पत्ती, एक फूल एक पत्ती, एक फूल एक पत्ती। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है, देखिए, मम्मी घर की सजावट देखकर बहुत खुश हुई। पिताजी उनकी पसंद की मिठाई यानी गुलाब जामुन लेकर आए थे। डिब्बे में 12 गुलाब जामुन थे, चारों ने दो दो गुलाब जामुन खा लिए। ठीक है, अब देखिए, पहले ने दो खाए, दूसरे ने भी दो खाए, तीसरे ने भी दो खाए और चौथे ने भी दो खाए। ठीक है, चार लोग हैं, मम्मी पापा और दोनों भाई बहन, तो टोटल उन्होंने कितने गुलाब जामुन खा लिए, 2, 4, 6, 8 कितने गुलाब जामुन खा लिए, 8 कुल कितने गुलाब जामुन थे, 12 8 गुलाब जामुन खा लिए गए, कितने बचे हैं, 4। अब याद रखिएगा, अब नीचे सवाल जो पूछे गए वो देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, ज़रा बताइए कि क्या कुछ गुलाब जामुन बच गए होंगे, अगर हाँ तो कितने। तो हमने बताया ना, 12 गुलाब जामुन थे, 8 खा लिए गए, तो कितने बचे, 4। तो आप लिखेंगे 4। आपकी मनपसंद मिठाई कौन सी है, जल्दी से बताइए। तो भाई मुझे तो गुलाब जामुन ही पसंद है, मैं तो अपना गुलाब जामुन ही लिखने वाली हूँ। आपको क्या पसंद है, आप लिख सकते हैं। आपको अगर मान लीजिए रसगुल्ले पसंद है, आप रसगुल्ले लिख सकते हैं। आपको छेने पसंद है, छेने लिख सकते हैं। बर्फ़ी पसंद है, बर्फ़ी लिख दीजिए। जो भी मिठाई आपको पसंद है आप लिख सकते हैं। इस तरह से वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।